मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतरता में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया है और इस बार भी पुण्यतिथि पर भी उन्होंने अपमान किया है। जो नेता उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं, जवाब अब उनको देना है कि किस मुंह से वो हमारे नेता को अपना भगवान कहेंगे। पार्टी के नया नाम मिलने के बाद चिराग पासवान आज पहली बार पटना आए और साथ ही साथ चाचा पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार लेकर उन्होंने कहा कि इस बार उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बनेगी। पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार जी ने पूरा किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतरता में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया है और इस बार भी पुण्यतिथि पर भी उन्होंने अपमान किया है। और जो नेता उनके कोटे से मंत्री बने हुए हैं, जवाब अब उनको देना है कि किस मुंह से वो हमारे नेता को अपना भगवान कहेंगे। इस बाइस पोल में इस बार जो उपचुनाव होंगे, इसमें आप देखेंगे कि पिछली बार भी जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया और ये दोनों उपचुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जो है विधानसभा में जो परिणाम आएंगे दो सीटों का उपचुनाव जो है तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमेशा से हमारे नेता का इज्जत नहीं करते हैं और इस बार भी उन्होंने बेइज्जत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो मंत्री जिस कोटे से बने हैं, अब उनको जवाब देना है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जो हमेशा से वो उनके नेता की बेइज्जती करते हैं, जिसे वो अपना नेता मानते हैं। तो सोचिए कि एक तरफ जिनके कोटे से वो मंत्री बने हैं, उन वही व्यक्ति जो है रामविलास पासवान इनका इज्जत नहीं करता है, दूसरी तरफ उनको मानने वाले जो कहते हैं कि हम रामविलास पासवान को मानते हैं, वो हमारे नेता हैं, वो उन्हीं के गोद में जाकर बैठे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा साफ तौर पे कि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, जिन वादों के साथ वो मंत्री बने, जो तमाम तरह के वादे किए गए थे कि जगह जगह उनकी मूर्तियां लगाई जाएगी, सड़कों का नाम दिया जाएगा, रामविलास पासवान के नाम से जोड़ा जाएगा, वो सब नहीं हुआ है। तो ऐसे में उनको करवाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बता दें कि दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी भी ताल ठोक रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम जो है दोनों सीटों का हम लोग जीतेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी जो है चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी। तो एक बड़ा बयान है चिराग पासवान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि चौथे नंबर की पार्टी जो है वो इस बार नीतीश कुमार बनेंगे, क्योंकि दो सीटों का परिणाम जो है वो चिराग पासवान के पक्ष में आएगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दशहरा के बाद से चिराग पासवान अपने तमाम नेताओं के साथ वहाँ पे दौरा करेंगे और सबको प्रभार देंगे कि किन को किन क्षेत्रों में जाकर प्रचार करना है। फिलहाल के लिए बने हेडलाइंस प्यार के साथ, नमस्कार।